नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। आज हमारे पास में इंडिया की सबसे बेस्ट जो एक एमपीवी कार कह सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि सीएनजी टॉप सेलिंग में और सबसे ज़्यादा वेटिंग भी आपको इसी की है। एक साल से लेके 11 महीने 12 महीने तकरीबन, और एक साल से ऊपर का भी आपको यहाँ पे वेटिंग देखने को मिल रहा है, और फिर भी लोग इसको ले रहे हैं। तो उसकी क्या कोई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। वेल, आपको बता दें, इसके हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये वाला जो स्पेशली वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ है एसेसरीज़ के ऊपर, कि एसेसरीज़ अगर आप कंपनी से लेते हैं और वो आपको कितने रुपए में पड़ती हैं, जो कि वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वेल दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, सारी वीडियोज़ आपके पास में आते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, आपको बता दें, सबसे पहले अगर आप कंपनी से सीट कवर लगवाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 11,329 रुपये के। ओके, स्टेयरिंग कवर, सिर्फ और सिर्फ स्टेयरिंग कवर की बात करूँ तो ये आपको पड़ेगा 510 रुपये का। मैटिंग जो आती है कार के अंदर वो पड़ेगा 2,737 रुपये की। मड फ्लैप आपको पड़ेंगे 799 यानी 800 रुपये का। डोर वाइज़र इस गाड़ी के आपको पड़ेंगे 1,690 रुपये के। जो साइड मोल्डिंग होती है, जो आपकी थोड़ा सा साइड क्लैडिंग के नीचे ऊपर थोड़ा सा लगती है, वो आपकी पड़ेगी इसमें 3,990 तकरीबन 4,000 रुपये का पड़ेगा। और जो ये स्पॉयलर है, अगर आपको रियर स्पॉयलर लगवाना है अडेगा सीएनजी में, तो वो आपको पड़ेगा 5,000 रुपये का। ओके, अगर आपको अलॉय व्हील्स लगाने, जैसे कि आपको बता दें इस गाड़ी में फिलहाल भी अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, कस्टमर ने लगाए हैं, तो वो आपको पड़ेंगे अलॉय व्हील्स 28,000 रुपये के। ओके, 28,000 रुपये के इसके चार अलॉय व्हील आपको इसमें मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर कार का जो बॉडी कवर है वो आपको पड़ेगा 1,890 रुपये का। इंटीरियर स्टाइलिंग किट एक आती है, इसमें काफ़ी सारे इंटीरियर्स में आपको डिफरेंस आप चेंजेस हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा लुक चेंज हो जाएगा। वो स्टाइलिंग किट एक्चुअली एक वो पैकेज है, वो आपको पड़ेगा 7,900 रुपये का, यानी कि 8,000 रुपये के आसपास में। विंडो फ्रेम किट ये आपको पड़ेगी 3,390 रुपये की। विंडो की फ्रेम किट आती है, वो आपको पड़ेगी 3,390 रुपये की। फॉग लैंप अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो आपको पड़ेगा 4,290 रुपये का। और अगर आपको नंबर प्लेट अपनी क्रोम में करवानी है तो वो आपको पड़ेगी 1,290 रुपये की। ये जो प्राइस मेरे सामने है तो ये फ़िलहाल मैंने कंपनी से लिए हुए हैं, और अगर आप शोरूम में लगवाना चाहते हैं एसेसरीज किसी भी शोरूम में, मारुति के शोरूम पर्टिकुलर, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें की जो एसेसरीज मेन एसेसरीज़ होती है हमारी, तो ये आपको इतने प्राइस में पड़ती हैं। काफ़ी ज़्यादा महंगी है, बट अगर आप कंपनी से लगवाना चाहते हैं तो मैं स्पेशली वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, ताकि अगर आप कंपनी से लगवाना चाहते हैं तो ये बजट आप अपना एक्सटीरियर यानी कि थोड़ा सा आप उसमें बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से लगाते हैं तो बाहर से काफ़ी कम में लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कुछ समझने वाली, वो ये है कि अभी क्या है, सीएनजी में काफ़ी दाम बढ़ गए हैं। तकरीबन 80,000 रुपये सीएनजी यानी कि अडिगा सीएनजी और जितनी भी आपकी मारुति सीएनजी गाड़ी, उसमें दाम बढ़े हुए हैं। फिलहाल अभी अडिगा सीएनजी में 80,000 रुपये बढ़े हैं, और उसमें क्या है, अगर आप सीएनजी गाड़ियाँ ले रहे हैं इस टाइम में, तो कंपनी वाले भी ज़बरदस्ती करते हैं, या आपको एक वो है कि आपको अगर गाड़ी ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको एसेसरीज तकरीबन 60-70,000 रुपये का लेना ही लेना, ये कंपलसरी हो गया है। इतनी ज़्यादा डिमांड होगी गाड़ी की ना, कि लोग अपने मन की कर रहे हैं, और मतलब ये आपको कंपनी में लेना ही लेना पड़ेगा। वेल, ये प्राइस थे अडिगा सीएनजी के, जो ऑफिशियल यानी कि अगर आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पे आपको इतने रुपए में पड़ेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भी अगर कोई जानकारी जानना चाहते हैं अडिगा सीएनजी या किसी भी कार से रिलेटेड, और किसी भी कार की आप एसेसरीज जानना चाहते हैं वो कितने रुपए की पड़ेगी, तो मैं आपको शोरूम की सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच गाइज़।